आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा महानगर संगठन के नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा पार्टी कार्यालय पर की गई। मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष इमरान अब्बासी के नेतृत्व में गठित की गई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सपा महानगर अध्यक्ष ने उनको मनोनयन पत्र सौंपा और सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारियों में जुटी है। संगठन विस्तार को लेकर इन दिनों लगातार संगठन का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी मजदूर सभा महानगर संगठन की नवगठित कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। आज हमारे मजदूर सभा के शहर अध्यक्ष इमरान आज अपनी शहर कमेटी घोषित कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हमारे संगठन के सभी लोग मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मजदूर सभा में भी आगरा के हर बस्ती से तमाम मजदूर लोग आज इसमें पदाधिकारी हो रहे हैं और जो बेस है मजदूर, चाहे उसमें ठेल लगाने वाला हो, रिक्शा टेम्पो चलाने वाले हो, बिलदारी करने वाले हो, जब इस स्तर पर समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। और मैं धन्यवाद दूंगा आए हुए अपने सभी भाइयों का मजदूर सभा के, जो आज इतनी बड़ी तादाद में कार्यालय पर संगठन में अपनी हिस्सेदारी को में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है तो आगरा का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बहुत खुश है। बुद्धिजीवी वर्ग ये बहुत लंबे समय से देख रहा था कि हमारे बीच में से कोई जिम्मेदार साथी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करें, तो जैसे मैंने ज्वाइन किया लोग बड़े खुश हुई, लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ में काम करेंगे। कई लोगों ने लगभग 50-60 लोग, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दो पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ऐसे लोगों ने, साहित्यकार हैं, मुझे नाम नोट करा दिए हैं। हमारी मुलाकात राष्ट्रपति जी से कराएं या आप हमें मिलवा ले चलें या जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो हमारी मुलाकात कराएं, हम समाजवादी पार्टी में काम करना चाहते हैं। इस दौरान सपा कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को उनके मनोनय पत्र भी सौंपे। सपा मजदूर सभा महानगर संगठन के अध्यक्ष इमरान अब्बासी के नेतृत्व में महासचिव, उपाध्यक्ष सचिव, तीनों विधानसभाओं के अध्यक्ष सहित तमाम सदस्यों को उनके दायित्व की जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी। मजदूर सभा महानगर आगरा की आज कार्यकारिणी गठित की गई है। महानगर आगरा के मुख्य चौधरी वाजिद निसार साहब के नेतृत्व में और ये जो कार्यकारिणी गठित की गई है वो आने वाले चुनावों में घर घर जाकर वोट मांगने का काम करेगी। आप मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष हैं, क्या भूमिका रहने वाली है आप लोगों की 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में हम लोग बूथ पर काम कर रहे हैं और हमारा जो वोट बढ़ाने का काम है वो बराबर चल रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। मजदूरों को जोड़ने की क्या रणनीति है? मजदूरों को बराबर जोड़ने का काम चल रहा है, जैसे मजदूरों के साथ लोअर कास्ट हमारे बराबर बनाए जा रहे हैं और मजदूरों के साथ ज़्यादा जरूरत होती है उनकी, उन जरूरतों को हम बराबर पूरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार जी संसद में आज महानगर के मजदूर सभा के इमरान अब्बास जी ने अपनी कार्यकारिणी गठित कर रही है। काफ़ी लोगों संख्या में मजदूर यहाँ पर पार्टी के सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के लगातार वोट बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने आदेश दिया है, आज इनको भी जिम्मेदारी जाएगी कि अपने वार्डों में जाके बूथ को मजबूत करें और वोट को बढ़ाने का काम करें। बैठक के बाद सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने कार्यकारिणी में शामिल हुए सभी नवचयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही बूथ और यूथ को मजबूत करने पर चर्चा की। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।